हेलो दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु अपने इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट टू है और इसका एक वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ और आप उसको पढ़िए, उसके बाद हम पार्ट टू में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे टॉप 10 की, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सिंपली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमें को कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं तो पहले हम उसको समझते हैं। तो टॉप 10 में सबसे पहले हमारा कंपाउंड हुआ एल्केन, फिर हुआ एल्कीन, फिर हुआ एल्काइन। तो ये तो तीनों याद करना हमारे लिए आसान है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसके बाद एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्कोहल के बाद ईथर, और उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फाइनली एसिड डेरिवेटिव। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अपने लिए काफ़ी आसान बनाएं, तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ उस तरीके से काम करें। सबसे पहले आप ये टॉप 10 याद कर लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं आगे आपको बताऊँगा क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आप टॉप 10 को पहले याद करने की कोशिश करें, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ब्रह्मा विष्णु महेश, एन इन आइन, ये आपने याद कर लिया। एल्काइल हैलाइड थोड़ा अकेला है, एल्कोहल ईथर का जोड़ा है, एल्डिहाइड कीटोन का भी जोड़ा है और कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव का जोड़ा है। यहाँ पर एल्केन आपको पता है कि इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। और बात करें अगर हम एल्काइल हैलाइड की, तो इसको हम RX लिखते हैं और एल्कोहल को ROH और ईथर को RO-R'। एल्डिहाइड की जहाँ तक बात है उसको RCHO लिखते हैं, कीटोन की बात है RCOR-, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और एसिड डेरिवेटिव को एक जनरल फार्मूला RCOG। यहाँ पर G जो होता है ये आपका लिविंग ग्रुप है। इसमें आप जो पहले ये तीन चैप्टर हैं ये आप 11th में पढ़ते हैं और आगे के जितने भी हैं वो आप 12th में पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये टॉप 10 पे अगर हम बात करें और इनके हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स की, तो जैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसका एक डिटेल में अगला वीडियो आपको मिलेगा जिसमें मैं सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग कुछ शुरुआत के कंपाउंड की स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे अभी बात करा मैंने एल्केन की, तो एल्केन का एक तो जनरल फार्मूला GF, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, एंड हियर n इक्वल टू होल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया प्रोपेन, अभी प्रोपेन का अगर हमने एग्जांपल लिया तो प्रोपेन का जो फार्मूला है वो C3H8 बनेगा। दोस्तों, अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो आप इस फार्मूले को पहले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, इससे हम एल्केन की होमोलॉगस सीरीज निकाल सकते हैं। एल्केन इज नेम ऑफ अ फैमिली हैविंग थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स, वो मेंबर जो होंगे वो n की वैल्यू बारी बारी से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन रखने पर हमको डिफरेंट होमोलॉग्स मिलेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने C3H8 बनाना है हमको,
हमको प्रोपेन बनाना है, तो प्रोप का मतलब हुआ तीन कार्बन, और तीन के हिसाब से हमने C3 रखा, N की जगह हमने 3 रखा, N की जगह हम 3 रखेंगे, यहाँ भी N की जगह हम 3 रखेंगे, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और +2 = 8 होगा। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैंने करके बताया। तो ये जैसे आपका ये प्रोपेन हो गया, ऐसे और मेंबर भी बन सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स और उससे रिलेटेड जो प्रीफिक्स है वो आप एक बार याद कर लीजिए। मैं इसको एक लाइन में लिख रहा हूँ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये आपका नंबर ऑफ कार्बन है, प्रीफिक्स है, और ये ALK की जगह पर यूज़ किया जाएगा। किसी जनरल नाम में अगर ALK होगा तो उसकी जगह हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम वी हैव टू यूज़ दीज टर्म्स। ये आपका कार्बन एक के लिए है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर अपना एल्केन लिया, तो एल्केन के हिसाब से हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले आपको करना क्या है, आपको ये टॉप 10 को अच्छे से याद करना है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको याद कराता हूँ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन आपने याद कर लिए। चौथे नंबर पे RX है, अकेला है। पांचवें और छठवें नंबर पे आपको एल्कोहल और ईथर मिलेंगे। एल्कोहल और ईथर में क्लोज रिलेशन है, ये आप धीरे से आगे खुद ही समझ जाएंगे। और उसके बाद हमारा एल्डिहाइड कीटोन है, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव। अब हमने जैसे मान लीजिए एल्केन का आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है और वो हम सीख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें C3H8 हमको लेना है, C3H8, तो हमने क्या किया, तीन कार्बन बना लिए, और फिर कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से कार्बन की वैलेंसी 4 होती, 4 कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो इसमें 4 आपको एच यहाँ पे ऐड करने हैं, 3H, चौथे पे डंडी आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 2H और यहाँ पर आपको 3H, इस तरीके से आपको ऐड करने हैं। तो ये आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये एल्केन के स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला हमको पता है, और एल्केन का हमको बॉन्डिंग भी पता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होंगे। और अगर हम अब एल्कीन की बात करें, एल्कीन अब हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है याद कर लीजिए, CnH2n, जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे, और n की वैल्यू यहाँ पर 2 से शुरू होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 से नहीं शुरू होगा, यहाँ पे 2 से शुरू होगा, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जैसे मान लीजिए हमने लिखा प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोप का मतलब 4 कार्बन, 3 कार्बन, हमने 3 कार्बन बना लिए, और इन का मतलब है एक डबल बॉन्ड होगा। हम इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, हमने इधर बना लिया। अब हमको कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है, 4, 4 को पूरा रखने के लिए 2 डंडियां तो यहाँ लगी हुई हैं, 2 बॉन्ड्स पहले लगे हुए हैं, 2 बॉन्ड हमने और लगाने हैं, एक एच यहाँ ऐड हुआ, एक एच यहाँ ऐड हुआ। अब इस कार्बन पर आप देखिए 2 + 1 = 3, तो 3 बॉन्ड इसके साथ हैं, 4 होनी चाहिए, तो एक एच ऐड होगा यहाँ पे। उसके बाद इस कार्बन पे आप आइए, तो इस पे आपके 3H ऐड होंगे। तो इस तरीके से हमने लिखा। वैसे दोस्तों इसको इस तरीके से भी लिखना है, इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा करिए। जैसे ये C के साथ 2H है, तो बेटर है कि हम इसको लिखें CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर CH3। ये इनका कंडेंस्ड फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म, ये कंडेंस्ड फॉर्म है, या कंडेंस्ड फार्मूला भी बोल सकते हैं। और ये इसका एक तरह से कंप्लीट बॉन्ड फार्मूला है। और इसी तरीके से अगर आपका एल्काइन होगा, तो एल्काइन में इन और आयन में फ़र्क क्या होता है कि इन में जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, आयन पे वहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप ट्रिपल बॉन्ड उसमें लगाएंगे, आपको एल्काइन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो एक मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एल्कीन हो गया, अब मैं एल्काइन लेता हूँ।
और अब हम लोग यहाँ पर कंडेंस्ड फॉर्म भी बनाएंगे। ये देखिए हमने एल्काइन ले लिया, तो एल्काइन के लिए क्या होगा, जनरल फार्मूला CnH2n-2। और दूसरी बात है कि कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सपोज़ कि हमको बनाना है इथाइन, तो मतलब हमारे पास दो कार्बन है, हमने दो कार्बन बनाए और आयन भी लगा हुआ है। एथ बताता है दो कार्बन, आयन बताता है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन टेट्रावेलेंट है तो एक एच यहाँ लग सकता है, एक एच यहाँ लग सकता है, तो ये आपका बन गया इथाइन और इसका फॉर्मूला हुआ C2H2। तो दोस्तों आज इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट टू में हम आपसे मिल रहे हैं। और ये जो टॉपिक हमारा है कुछ इस तरीके से है, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 11th में आप हैं या 12th में हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं आपके पार्ट टू पे आज मैंने काम किया है। अगले पार्ट पे जब हम मिलेंगे तो और जो हमारे टॉप 10 में बचे हुए हिस्से हैं हम उनके स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाएंगे और तब आप और आगे ऑर्गेनिक में बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।